आपने पता है भगत सिंह को पैदा करने वाली मां विद्यावती, पति भी जेल में, दादा भी जेल में, चाचा अजीत सिंह भी जेल में, तीन तीन चार चार पीढ़ियां, तीन तीन पीढ़ियां इस देश की आजादी के लिए जेल के अंदर रही वो। लेकिन संतान का निर्माण करने में कितना अहम रोल था, भगत सिंह को जब पैदा किया कितने नाजों से पाला, कितने लाडों से पाला माँ ने, और प्यार में जो है उसका नाम भगत सिंह को क्या कहती थी, पूरा भगत सिंह नाम नहीं लिया करती, न्यू कहा करती आजा रे मेरे भगत, और खेलने के लिए खिलौने नहीं डालती थी माँ विद्यावती भगत सिंह के सामने, कभी उसके सामने चाकू डालती थी, कभी बर्छी डालती थी, कभी भल्ला, कभी प्लास्टिक की बंदूक, कदे रिवॉल्वर, कदे तलवार, और न्यू कहा करती रे भगत सिंह इनसे खेलना है बेटा, नकली खिलौनों से नहीं खेलना है, चाकू छुरे के साथ में खेलना है। और वही भगत सिंह जिस समय 5 वर्ष का हो गया, चाचा जी के साथ खेत में चला गया, अजीत सिंह के साथ चाचा ने हल जोड़ दिया, और चाचा जी ने जब हल जोड़ा तो भगत सिंह पीछे पीछे चल रहा है और कहता है चाचा जी रुको रुको, चाचा जी हल रुकवा दिया, और भगत सिंह अपने चाचा की उंगली पकड़ करके कहता है चाचा जी क्या बोओगे इस खेत में। चाचा अजीत सिंह कहते बेटा इस खेत में मक्का बोएंगे, इसमें गन्ना बोएंगे, इसमें मटर लगाएंगे। बोला चाचा जी मेरे कहने से एक खेत में तो पिस्तौल बो दो आप, ये होते संस्कार बनाए हुए, पिस्तौल बो दो। चाचा ने कहा बेटा पिस्तौल का क्या करेगा। बोला चाचा जी जब पिस्तौल तैयार हो जाएंगे ना, ये जो अंग्रेज हमारे देश में कब्जा कर रहे ना, गोली ल्या ल्या के उन पिस्तौलों में भरकर इनकी छाती में मार के न 7 समुद्र पार निकाल कर गया। ऐसी ऐसी संतान गृहस्थ के अंदर बनाई जाती हैं। और वही भगत सिंह जब पकड़ा गया, मैं लंबी बात नहीं करता, लाहौर की सेंट्रल जेल के अंदर बंद है, मां मिलने के लिए गई विद्यावती, सुनो बेटा ध्यान दो थोड़ा इधर, मां विद्यावती एक दिन मिलने के लिए गई, और मां जब मिलने के लिए पहुंची तो उस समय भगत सिंह कहता है मां, प्रणाम किया दूर से सर झुका करके, और कहता है मां एक बार अपने पांव मेरी तरफ कर दो, पांव का नीचे वाला हिस्सा तलवा, क्या करेगा बेटा, मां इन पैरों के अंदर जो धूल लगी है ना, एक बार वो मस्तक से लगाना चाहता हूं माथे से, और मां के पैरों के नीचे की धूल अपने हाथों से लगाई वो कण, और अपने मस्तक के ऊपर लगाया भगत सिंह ने, और जिस समय वो धूली जो है वो कण अपने मस्तक के ऊपर लगाए तो उस समय भगत सिंह की आंखें डबडबा गई, पानी भर गया, आंसू आ गई दो चार, और विद्यावती ने जब सामने से देखा कहने लगी रे ओ कायर, अरे ओ भगत सिंह डर गया फांसी की सजा सुनकर के, अभी फांसी होगी, मौत आने वाली है कायर, तेरे को भय लग गया इसलिए रो रहा है ना तू मां को देख करके। उस समय भगत सिंह कहता है हाथ जोड़ करके, मां सपने में भी बस सोचना ये बात, आंसू पोंछ लिए अपने हाथों से, सुखा दिया आंसू, और खड़ा होकर के कहता रही ओ मां, जिस बेटे ने तेरे जैसी शेरनी मां की छाती का दूध पिया हो, जिस बेटे ने तेरे जैसी वीरांगना मां की लोरियां सुनी हो बचपन में, वो बेटा फांसी से डर सकता है। नहीं बोली फिर रो क्यों रहा था, रोया था क्यों, आंसू क्यों आई आंख्या में, क्या दिखाना चाहता था तू। नहीं बोले अरे मां ये आंसू तो न्यू आएगी, मैंने सोचू था मां की सेवा करने से वंचित रह जाऊंगा मैं, मौत और फांसी का तो कोई डर है नहीं मां मुझे, और उत्तम गृहस्थ में उत्तम माता पिता होते हैं तो संतान भी ऐसी उत्तम बनती है। और भगत सिंह ने बोले अरे मां बात सुन ले मेरी, लो एक भजन और सुन लो, Thank you.
तैयार खड़ा तेरा बेटा रे माँ बलिदान के लिए। भाई अच्छा लगे तो अगली लाइन पे ताली बजा दियो एक बार आप भगत सिंह के लिए। तैयार हो गए बैठो थोड़ा, अभी नहीं जब वो लाइन आओगी। तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, अरे मरना जीना हो, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। बलिदान खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, मरना जीना हो, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। बलिदान खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए। एक एक शब्द सुनो बस, अब नहीं बजाने। इस आर्यों की धरती पे माँ कर रहे राज विदेशी, आर्यों की धरती पर कर रहे राज विदेशी, ऋषि दयानंद कह गे अच्छा हो राज स्वदेशी, ऋषि दयानंद कह गए अच्छा हो राज स्वदेशी। जगह नहीं अरे मरना जीना कुछ हिंदुस्तान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। और गर्व होता है ऐसी माँ को, ऐसे पिता को, ऐसी संतान के ऊपर। ने वलारी माँ यू भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध ल जावे, भगत सिंह तेरा बेटा ना तेरा दूध ल जावे, ईसा काम कर दूंगा तेरे गीत या दुनिया गावे, ईसा काम कर दूंगा तेरे गीत या दुनिया गावे। तड़फेगी हो, तड़फेगी अरे तड़फेगी हर माए सी संतान के लिए, मरना जीना मरना जीना मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। और सुनो ए मेरी बहनों माताओं सजनों, एक बात तो ऐसी कह दी भगत सिंह ने, अब के तो माँ अपनी आंखों की आंसुओं को बड़ी मुश्किल रोक पाए। किसके हैं? अच्छा ये भाई राजवीर जी 500 रुपए देकर के मान सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तालियां बजा दो एक बार। माँ एक उम्मीद तेरे से भी रखता हूं मैं, एक काम कर दिए मेरी माँ तो। क्या सुनो थोड़ा दिल थाम करके, क्या कहा भगत सिंह ने, कहने लगा रही हो माँ एक काम करना है आपने बस। क्या बस एक काम कर देना, लाना है थोड़ा गाय दोस्त, बस एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे,
एक काम कर देना जो तू मेरे मन की चाहवे, जब लाश मेरी ले जावे ना आँख ते आंसू आवे, लाश मेरी ले जावे ना आँख ते आंसू आवे। चाची ताई हो, चाची ताई बुलवाइए, चाची ताई बुलवाइए री भजन गाने के लिए, जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, बलिदान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए। और माँ मेरे बलिदान के बाद में किसी आगे एक जिक्र ना कर दिए तू, किसी आगे ना कह दिए एक बात तू, तो बलिदान विफल हो जाएगा माँ मेरा। कौन सी बात? एहसान किसी के ऊपर माँ बिल्कुल नहीं जताना, एहसान किसी के ऊपर धर्म यही कहता है कि देश के हित मर जाना, धर्म यही कहता है देश के हित मर जाना। राम निवास का हो, हो राम निवास का गाना बस भगवान के लिए, मरना जीना मरना जीना मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, तैयार खड़ा तेरा बेटा माँ बलिदान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए, मरना जीना सब कुछ हिंदुस्तान के लिए।